ऑन द फास्ट ट्रैक डिफेंस चैनल। दोस्तों अभी अभी एक अपडेट आ रहा है फ्रॉम द यूपीएससी दैट द कैंडिडेट्स दोस्त हैव फिल्ड द फॉर्म ऑफ एनडीए 1/2022 एग्जामिनेशन जो कि ऑल ओवर इंडिया में 10 अप्रैल को होने वाला है। कुछ फॉर्म्स जो कि यूपीएससी की तरफ से रिजेक्ट कर दिया गया है, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि हु आर द कैंडिडेट्स हुज फॉर्म्स हैव बीन रिजेक्टेड एंड व्हाट यू कैन डू टू अवॉइड दोज काइंड ऑफ रिजेक्शन इन फ्यूचर, और इवन इफ योर नेम इज इन द लिस्ट व्हाट यू कैन डू टू bring your name back into the list so that you can appear in the examination of UPSC NDA 1/2022 which is going to be held on 10th of April. So stay tuned in this video till the end, because here in this video I am going to give you the solution what you can do if your name is there in the list or what you can do to avoid these kind of problems in future. Aaj ki is video mein main aapko batane wala hu jo jin candidate ka form reject hua hai एनडीए के एग्जामिनेशन के लिए जो कि एनडीए 1/2022 10th of April को होने वाला है, उसके बारे में उसका सोल्यूशन क्या है और आगे आप क्या करें ताकि आपको इस टाइप का प्रॉब्लम ना हो, आप वीडियो में अंत तक बने रहें। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, और ये जो क्वेश्चन है ये करंट अफेयर से काफ़ी रिलेटेड है, इसीलिए आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। सो जो क्वेश्चन इज सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व इज इन विच स्टेट विच वॉज गिवन 3x2 अवार्ड फॉर डबलिंग द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर। मतलब ये जो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है ये फिलहाल अभी न्यूज़ में था, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि ये कौन सा स्टेट में लोकेटेड है और ये किस लिए अभी न्यूज़ में था। इट वॉज इन न्यूज़ बिकॉज इट हैज़ डबल्ड द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर इन द पास्ट 1 ईयर। सो दिस इज द क्वेश्चन एंड योर ऑप्शन इज ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश एंड ऑप्शन डी कर्नाटका। इफ़ यू नो द आंसर पॉज द वीडियो, गो ऑन टू द कमेंट सेक्शन, राइट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आई एम गोइंग टू गिव यू आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द एंड एंड स्टे ट्यून्ड इन दिस वीडियो, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलने वाला है कि आपका फॉर्म किस तरह से दोबारा से कंसिडर किया जा सकता है। और जब हम बात करते हैं करंट अफेयर्स को लेकर तो एनडीए में करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट काफ़ी है, क्योंकि आपको अराउंड 12 क्वेश्चंस आते हैं करंट अफेयर्स में और सीडीएस में अराउंड 20 क्वेश्चंस आते हैं करंट अफेयर्स में। वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड अ सीरीज ऑफ करंट अफेयर्स फॉर एनडीए 1/2022 एंड सीडीएस 1/2022। प्लीज़ गो ऑन टू द चैनल प्लेलिस्ट एंड वॉच दोज वीडियोज एज वेल, बिकॉज इफ यू वॉच दैट वीडियोज आउट ऑफ 12 क्वेश्चंस अराउंड 11 क्वेश्चन यू विल बी एबल टू सॉल्व करेक्टली इन योर एनडीए एग्जामिनेशन एंड आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस 18 क्वेश्चंस यू विल बी एबल टू सॉल्व करेक्टली इन योर सीडीएस एग्जामिनेशन। दोज क्वेश्चंस आर टेकन बाय एनालिसिस ऑफ प्रीवियस 10-14 ईयर्स ऑफ क्वेश्चन पेपर एंड इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू। स्टे ट्यून्ड इन दिस वीडियो टिल द एंड। फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट अनअकैडमी की तरफ से आया है। अपडेट यही है कि अब अनअकैडमी के सभी कोर्सेज पे आपको 20% का डिस्काउंट चल रहा है और ये सिर्फ 2 दिन तक ही वैलिड होने वाला है, 30th and 31st of January। और अगर आप भी इसका फायदा उठाना चाहते हैं तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है, जैसे ही उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपको कोर्स परचेस करने से पहले आपसे एक कोड मांगा जाएगा, वहाँ पर आप सिंपली आप FD10 टाइप करेंगे तो आपको 20% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा अभी 2 दिन के लिए। और अगर आप अपने एयरफोर्स एक्स ग्रुप की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए अनअकैडमी एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स लाया है जहाँ पर आपको कंप्लीट सिलेबस कराए जाएंगे और आप यहाँ पे लिस्ट ऑफ एजुकेटर्स देख सकते हैं। ये 2nd of April तक चलने वाला है ये ब्रह्मोस एयरफोर्स बैच। सिमिलरली अगर आप अपने एनडीए एग्जाम की प्रिपरेशन अनअकैडमी के साथ करना चाहते हैं तो अभी 60 डेज का एक क्रैश कोर्स आया है जहाँ पे आप लिस्ट ऑफ एजुकेटर्स भी देख सकते हैं और ये 2nd of February से 31st of March तक यहाँ पे आपको कंप्लीट रणभूमि 2.0 जहाँ पे आप कंप्लीट बैच कराए जाएंगे। और यहाँ पे आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का भी फायदा उठा सकते हैं जहाँ पे आपको प्लस का बेनिफिट तो मिलेगा ही, प्लस आपको इंडिविजुअल मेंटरशिप भी अनअकैडमी के सारे कोर्सेज पे मिल जाएगा। और यहाँ पे इसके प्राइसेस देख सकते हैं 6 मंथ 12 मंथ और 24 मंथ के। और कोई भी कोर्स परचेस करने से पहले आपको सिंपली FD10 टाइप करेंगे तो आपको 20% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। फ्रेंड्स अगर आप एनडीए का प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं अनअकैडमी का और 20% डिस्काउंट का फायदा उठाना चाहते हैं, क्योंकि अभी अनअकैडमी पे प्राइस हाइक होने वाला है, तो जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके स्क्रीन पे इस टाइप का कुछ इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे 24 मंथ 12 मंथ 6 मंथ और 3 मंथ के ये कंप्लीट प्राइसेस आपको पे नहीं करने, पे करने से पहले यहाँ पे आपको एक रेफरल कोड मांगा जाएगा जहाँ पे आप FD10 टाइप करेंगे तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा 30 और 31st December के दिन। सिमिलरली अगर आप एयरफोर्स नेवी या फिर कोस्ट गार्ड की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो भी यहाँ पे आपको ये कंप्लीट प्राइसेस पे नहीं करने हैं, पे करने से पहले आपको यहां पे एक रेफरल कोड मांगा जाएगा, उस रेफरल कोड में आप FD10 टाइप करेंगे तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा अनअकैडमी के सभी कोर्सेज पे। इस दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, वहां से आप रजिस्टर कर सकते हैं। सो फ्रेंड अब वापस आते हैं अपने इस वीडियो के मेन टॉपिक पे। इस वीडियो का मेन टॉपिक है एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्टेड ड्यू टू द नॉन पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फी।
सो जो कैंडिडेट्स जिन्होंने NDA 1 2022 के एग्ज़ाम अप्लाई किए थे वो अपने पार्ट वन और पार्ट टू फिलअप कर लिए थे, बट ड्यू टू सम रीजन दे कुड नॉट पे दी एग्जामिनेशन फी, सो देयर फॉर्म्स गॉट रिजेक्टेड फॉर दी NDA 1 2022 एग्जामिनेशन. और हियर आर द लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स. अगर आपका भी इसमें नाम है आप इसे एक बार चेक कर सकते हैं. इसका PDF आपको UPSC के ऑफिशियल साइट पे मिल जाएगा. आप वहाँ से जाके आप अपना नेम चेक कर सकते हैं कि क्या आपका नाम भी इस लिस्ट में है. सो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि इसका सॉल्यूशन क्या है. सो सबसे पहले मैं आपको एक बार रीड करके बता दे रहा हूँ कि इसका जो ये नोटिफिकेशन आया है UPSC की तरफ से ये किस चीज़ के बारे में है. सो इन टर्म्स ऑफ द प्रोविजन कंटेंड इन द कमीशन नोटिस ऑफ NDA 1 डेटेड 22nd of December 2021 applicants ऑफ और the applicants for set the examination have been rejected by the commission. Email in this regard will also be sent to the applicant soon. So here they have given that forms have been rejected and the same email will be sent to your registered email ID on the UPSC as well. सो यहाँ पे इसका सोल्यूशन भी दिया गया है. सोल्यूशन यही है कि इफ़ योर फॉर्म इज रिजेक्टेड देन यू कैन अपील टू द बोर्ड विथ इन 10 days अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बाय द स्पीड पोस्ट और बाय हैंड टू द दिस हेडक्वार्टर ऑफ द UPSC ऑन द 4th floor Hall No. 1 एग्जामिनेशन हॉल धौलपुर हाउस शाहजहाँ रोड इन न्यू दिल्ली. ये जो आपका एड्रेस दिया गया है आप इस एड्रेस पे भी फिजिकली जा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के साथ कि आपका फ़ी रिसिप्ट किया हो और जो जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे रिकॉर्ड है वो डॉक्यूमेंट लेके आप जाएं और अपने आप को क्लेम करें कि आप एग्जामिनेशन दे सको ताकि आपका जो लिस्ट में जो नाम आए जब एडमिट कार्ड आवे तब आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सको और आप एग्जामिनेशन में बैठ सको. ये विथ इन 10 days का टाइम है. आपको 6th of February 2022 के अंदर ही कर देना है. आपको अगर आप वहाँ नहीं जा सकते हैं तो आप उन्हें स्पीड पोस्ट के द्वारा भी मैसेज कर सकते हैं. अगर आपका जो अपील है वो अपील अगर आपका अपील सही निकला तो आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा एग्जामिनेशन के अराउंड 3 weeks पहले, जिसको आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले जानकारी दे दी जाएगी. सो अगर आपका नाम भी इस लिस्ट में है देन प्लीज़ सी योर नेम इन द लिस्ट. दिस नोटिफिकेशन हैज़ कम फ्रॉम द UPSC एंड इट इज़ अवेलेबल ऑन द UPSC साइट. यू कैन गो एंड डाउनलोड फ्रॉम देयर. फ्रेंड अब वापस आते हैं अपने उस क्वेश्चन को जो मैं क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग में पूछा था. सो जो क्वेश्चन था सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व इज इन विच स्टेट विच वॉज गिवन T+2 अवार्ड फॉर डबलिंग द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर. और ये चार आपके ऑप्शंस थे. हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी तमिलनाडु. और ये क्वेश्चन आपके जो NDA एग्जाम या फिर CDS एग्जाम होने वाला है इस दोनों एग्जाम में ये क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस काफ़ी हाई है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ज्योग्राफी एज वेल एज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ करंट अफेयर्स. Keeping in the point of view of geography and current affairs, this question is extremely important. See the answer for this is Satyamangalam Tiger Reserve, which is situated in the state of Tamil Nadu. So friends, this was the end of the video. I hope all of you enjoyed the video. Still, if you have any other doubts regarding the SSB, regarding the NDA, or मैंने SSB को dates को लेकर भी मैंने videos already बना चुका हूँ. आप वो सारे videos भी देख सकते हैं हमारे इस चैनल के होम पेज पे जाके. और आप उस करंट अफेयर्स के प्लेलिस्ट का वीडियो वॉच करना ना भूलें क्योंकि आपको NDA 1 2022 के एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है. सो फ्रेंड दिस वॉज द एंड ऑफ द वीडियो. थैंक यू फ्रेंड्स फॉर ट्यूनिंग टिल द एंड. थैंक यू. जय हिंद.